तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुलाव की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 1/2 kg के आसपास चावल लिए हैं और 25 ग्राम के आसपास काजू और 20 से 25 ग्राम के आसपास किशमिश लिया है और गर्म मसाले में हमने छोटी इलायची 3 लिया है और 2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज़पत्ता और 10 से 15 लौंग लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास घी का प्रयोग किया हमने। ये लगभग घी हमारा वेट में 50 ग्राम के आसपास होगा और अब हम इसमें 1/2 गरम मसाले को डालेंगे, खड़े गरम मसाले को, और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बस 1 मिनट तक इसे पकाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाएंगे, इसे ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। पुलाव मीडियम टू लो पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, आप चाहे तो किशमिश और काजू को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू भी ऐड कर लिया है। तो काजू को हमने प्रत्येक काजू को 2 टुकड़े में उसे अलग अलग निकाल लिया है और चावल को हमने 10 से 15 मिनट तक भिगोने के लिए छोड़ दिया था, तो हमारा चावल भीग चुका है। और अब हम इसमें चावल डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे और इन चावल को हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। आप चाहे तो चावल को 15 से 20 मिनट तक के लिए भी भिगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चावल भुन रहा है, ये पुलाव वाली चावल। तो अब हम यहाँ पे एक बड़ी इलायची डालेंगे और जावित्री का टुकड़ा छोटा सा, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा पुलाव। आप चाहे तो इन सारे गर्म मसाले को एक कपड़े में पोटली बना के डाल भी सकते हैं, इसे जब पानी डालेंगे इसमें तो उसका स्वाद इसमें आ जाएगा। और हमने तो घर के लिए बनाया है तो इसे हमने ऐसे ही बनाया है, ज़्यादा मात्रा में बनानी हो तो कपड़े में पोटली में डाल के इसे बनाएं। तो ये देखिए हमारा लगभग फाइनली भुन चुका है ये पुलाव की चावल। बहुत ही इजी रेसिपी है पुलाव की रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आपका 10 से 15 मिनट में आराम से पुलाव की रेसिपी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। पुलाव को आप कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने पानी का मेजरमेंट और चावल का जो मेजरमेंट है दोनों बराबर रखा है। पुलाव बनाने की सबसे खास बात यही है कि हम जितना मात्रा में चावल लेंगे उतना ही पानी डालेंगे, जिस भी बर्तन से चावल हम लेंगे बस उसके बराबर ही पानी डालेंगे। दोनों जब बराबर होंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल इसका मेजरमेंट बहुत ही सटीक होता है। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया है, चावल से थोड़ी सी ऊपर आई है पानी, लगभग 1/2 इंच के आसपास चावल से ऊपर पानी। तो ये देखिए अब हम इसे ढक देंगे, ये देखिए, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम टू लो पे, हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे फ्लेम को। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली पुलाव पक चुका है। पानी कितना बचा है नहीं है तो बीच में आप एक बार चाहे तो देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल खिली खिली पुलाव बना है ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल।
तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं। और इसे पकाने के बाद फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे, मतलब इसको कवर करके ही रखेंगे, इसका कवर हटाएंगे नहीं, नहीं तो इसका बीच में थोड़ा बहुत कच्चा रह सकता है, तो इसे कवर करके अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।